तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पर। आज की जो अपनी क्लास है वो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि जो कृषि पर्यवेक्षक 2018 वाली वैकेंसी थी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 की जो वैकेंसी थी जिसका एग्जाम अपना 3 मार्च 2019 को हुआ था, उसके पूरे पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा बाकायदा मेरे पास पेपर, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप। इसके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन और इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 2021 कृषि पर्यवेक्षक 2021 की जो नई वैकेंसी आ रही है उसका सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है चैनल के पेज पे। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस, तो सबसे पहले इस वीडियो को बाद में देखना, ये पेपर पहले आप सिलेबस देख लो। तो उन दोनों जो क्लास होगी इससे पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उनका लिंक मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर करें। जिन्होंने देख लिया वो तो सही है, जिन्होंने नहीं देखा एक बार वो सिलेबस जरूर देखें। बाकी आज बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक 2018 वाली भर्ती के, 3 मार्च 2019 को लगा ये इस पेपर की। और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बहुत अच्छे से हम क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। इसके अलावा भी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जो सच्ची इन्फॉर्मेशन होगी, जो अपडेट होगी, नई अपडेट आपके लिए जो जानना आवश्यक है किसी भी भर्ती को लेके, जेट एग्जाम को लेके, सुपरवाइजर को लेके, एक्स वाई जेड एग्रीकल्चर की किसी भी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज ये तो अपन सोल आउट करने वाले हैं, इसके बाद में रेगुलर क्लासेस चालू करेंगे। जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है एक बार सिलेबस विजिट करें, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। रही बात क्लासेज की, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले अपन राजस्थान जीके से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि आप पहले हिस्ट्री पढ़ना चाहोगे या ज्योग्राफी, हिस्ट्री स्टार्ट करें या ज्योग्राफी स्टार्ट करें, क्योंकि राजस्थान जीके के अपने 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 हिंदी के और 60 एग्रीकल्चर के। तो अभी ये जो लास्ट ईयर का पेपर सोल आउट इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत एवरेज हो जाएगा कि किस लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्या उनके ऑप्शंस है, किस प्रकार अपने को पेपर हैंडल करने वाला है, कितना टाइम मिलेगा, किस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, लेवल क्या है, वो सारा कुछ आपको कन्फर्म हो जाएगा। और सिलेबस मैंने इसलिए दिया है कि आपको खुद को भी पता रहे कि अपने को क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या अपनी आउटलाइन है, क्या अपनी सीमा है, इसमें रह के अपने ये टॉपिक्स करने हैं। तो उससे क्या होता है अपने को थोड़ा बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि अपन जब पढ़ रहे होते हैं तो कि हाँ ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, सिलेबस का पता हो तो अपने को जिस रास्ते में जाना है ना वो उसी में जाए, बाहर की चीज़ें अपन पढ़ के टाइम वेस्ट ना करें। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है उनसे एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि सिलेबस देख लें, पेपर सोल आउट करने वाला है, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि पहले ज्योग्राफी पढ़ना चाहोगे या हिस्ट्री पढ़ना चाहोगे, भूगोल पढ़ें या जो आपका इतिहास है वो पढ़ें, या कला वाला जो पार्ट दे रखा है वो पढ़ें। एग्रीकल्चर और जीके क्लास है मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो थैंक यू। बाकी देखते हैं पेपर, तो अब हम पेपर के बारे में देख लेते हैं जिसमें हम पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो पेपर का फ्रंट पेज, तो इस पे पहले इसके इंट्रक्शन जो दिए हैं वो देखते हैं कि इस परीक्षा पुस्तक को तब तक ना खोले जब तक कहा ना जाए, मतलब इसमें जो सील लगी हुई होती है उसको अपने को जब तक वो जो वहाँ पे होते हैं इन्वेस्टिगेटर उनके ना कहने तक, जब तक अपना टाइम आउट नहीं होता तब तक उसको ओपन नहीं करना होता है। तो ये तो मेनली अपना दिशा निर्देश है कि अपना रोल नंबर OMR सही पूर्वक भरे, गलत रोल नंबर भरने पर परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, प्रश्न पत्र हल करने से पूर्व परीक्षा प्रारंभ होते प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं OMR उत्तर पत्र की भलीभांति जांच कर ले, ये जो भी दिया हुआ सारा कुछ इंट्रक्शन अपने को पढ़ लेना है सही से। इनका टाइम अलग से मिलता है पेपर स्टार्ट होने से पहले, जब तक अपन सील ओपन नहीं करते अपना यही काम रहता है कि अपन सारा कुछ दिशा निर्देश आसानी से पढ़ सकें। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ पेज इन बुकलेट, तो 16 पेज का आपके पेपर आएगा, और पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या 100 प्रश्न है, पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या कितनी है 100, और टाइम कितना मिला आपको 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम है, और अधिकतम मतलब पूर्णांक जो इसके 300 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है आपका। तो ये तो बात हो गई फ्रंट पेज की, अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हो सकता है इसमें 95+ जो क्वेश्चन है वो आपको राइट मिलेंगे, क्योंकि मेरे को इसकी जो ऑफिशियल आंसर की थी ना, जो फाइनल आंसर की थी इसकी कि कौन से में क्या माना गया है, वो मिली नहीं है। फिर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़े से मतलब कन्फ्यूजन हो कि ये नहीं ए नहीं बी होगा, तो मेरे को कमेंट करके बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 95% मतलब 95+ क्वेश्चन, 100 में से लगभग 96-97 क्वेश्चन आपको फुल राइट मिलेंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाए क्योंकि मैंने जो फाइनल आंसर किया है वो मिली नहीं है कि जो अधीनस्थ बोर्ड ने क्या आंसर माना है। बाकी सोल आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखोगे ये निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक नस्ल के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नागौरी, जो नागौरी गाय की नस्ल है वो भारवाहक नस्ल के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे, वयस्क गाय का दंत सूत्र है, जो वयस्क गाय है उसका दंत सूत्र कितना होता है, तो ये सबको याद है ICPM / जो है
कि 0033/40/33 ए वाला है वो बिल्कुल राइट रहेगा कि वैश्य गाय का जो स्थायी दंत सूत्र है, परमानेंट जो टीथ फॉर्मूला है अडल्ट का जो वो रहेगा, ये ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट है। इसको याद कैसे करते हैं कि 0033/40/33 ऐसे कुछ याद करने की ट्रिक है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको बहुत अच्छे से मतलब बोर्ड पे ही याद करवा दिया जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कि वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भैंस के अंदर कौन सी नस्ल है भैंस की जिसमें वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो जो भदावरी है 11-12-13% तक आते हैं, भदावरी के अंदर जो फैट के है फैट प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे फोर्थ क्वेश्चन देखोगे कि निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, भैंस की नस्ल नहीं है, तो जो राठी है वो गाय की नस्ल है, ये आपको सबको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस नस्ल है राठी जो है गाय की है, बाकी मुर्रा नीली रावी और सूरती तीनों नस्लें जो है वो भैंस की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे हसियाकार सींग किस भैंस की नस्ल की प्रमुख लक्षण है, हसियाकार या दराती आकार भी इनको बोल सकते हो, तो हसियाकार किसके है सूरती, जो सूरती है उसके जो सींग होते हैं वो हसियाकार या दराती आकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखोगे कि भारत की बकरियों का सबसे बड़ी नस्ल है, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो जमुनापारी, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखोगे राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फर है मथुरा, मखदूम डी वाला है वो बिल्कुल राइट है आपका, 7 का जो राइट आंसर है डी है। नेक्स्ट देखेंगे 8 क्वेश्चन कि भेड़ में सगा समागम की क्रिया को कहते हैं, जो भेड़ के अंदर मेटिंग होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टपिंग। ये जो एक सारणी है उसमें मांस को क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर क्या है, दोनों के उसको बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता ही आता है, तो वो आप ध्यान से पढ़ोगे, जेट हो चाहे सुपरवाइजर हो उसमें क्वेश्चन आता ही है, तो जो चीज़ें जो डेफिनेट आती है उनको अपन थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं, टपिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखोगे अविकालीन नस्ल है, अविकालीन किसकी नस्ल है, भेड़ की है, अविकालीन भेड़ की एक नस्ल है। नेक्स्ट देखो किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ऊँटनी के दूध में, ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 11 क्वेश्चन देखोगे रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है, जो रट या मस्त है वो ऊँट में मिलती है, जब ये ऊँट होता है मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, रट या मस्त अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे पशु में गलगोटू बीमारी का कारण क्या है, एक चीज़ में बता दूँ जो एनिमल डिजीज वाला जो आपके टॉपिक है जिसमें आपके जीवाणु जनित पशु है ना वायरस जनित उपापचय रोग जो भी हैं सारे, जो ये ऊपर का नॉर्मली है ना कि ये रोग विषाणु से होता है, ये जीवाणु से होता है, ये उपापचय रोग है, ये बैक्टीरिया का है, ये टिक फीवर जो भी है, उसमें से अब की बार जो सुपरवाइजर का पेपर लगा था उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन है, और एनिमल हस्बेंड्री में से टोटल 20 क्वेश्चन है जिनमें से 4 तो आपके एनिमल डिजीज में से, अभी देख लेना आप। तो पशु में जो गलगोटू बीमारी है HS डिजीज वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा होती है, और ये भी मैंने ट्रिक से बहुत अच्छे से करवा रखा है और आपको करवा दूंगा मैं दोबारा से। दुग्ध बीमारी का प्रमुख कारण है, ये देखो ये भी एनिमल डिजीज में से आएगा, दुग्ध बीमारी जो मिल्क फीवर है वो किससे होता है, तो वो कैल्शियम की कमी से होता है और एक उपापचयी रोग है, कैल्शियम की कमी से होता है और मेटाबॉलिक डिजीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखोगे खुरपका मुंहपका, फिर ये देखो कंटिन्यूज आ रहे हैं उसी चैप्टर में से, खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण क्या है, तो खुरपका मुंहपका बीमारी वायरस के द्वारा होती है, पशु प्लेग और खुरपका मुंहपका ये दो बीमारियां हैं मुख्य जो वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कितने नंबर का है ये, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, फिर से ये आप देख सकते हो कि इसी का आ गया कि किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो एंथ्रेक्स, इसमें जो राइट आंसर है वो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स के अंदर पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दूध में स्ट्रिप कप, ये भी फिर रोग से ही आ गया है कि दूध में जो स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है वो किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, मैस्टाइटिस रोग के पता लगाने के लिए किया जाता है, थनेला रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे गाय के दूध में पीला होने का कारण, गाय के दूध का जो पीलापन है वो किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण, गाय के दूध का पीलापन का कारण केरोटीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसमें 18 नंबर का कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो NDRI जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट राइट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट देखेंगे 19 कि दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि के द्वारा लगाया जाता है, तो गर्भर विधि के द्वारा दूध में फैट प्रतिशत का पता लगाया जाता है। बाकी गर्भर विधि के एक और क्वेश्चन पुटअप होने वाला है वो क्या है इसमें से महत्वपूर्ण, कि जो गर्भर विधि में दूध लेते हैं पिपेट के अंदर वो कितना लेते हैं, 10.75 ml दूध लिया जाता है। नेक्स्ट देखोगे टोंड दूध में
उपस्थित वसा व SNF की मात्रा, तो टोन में इसमें ए ऑप्शन राइट है, 3% तो फैट पाया जाता है और 8.5% SNF पाई जाती है, जबकि डबल टोन में अपन देखते क्या है कि टोन में 3 है तो डबल टोन में तो 6 हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, उसमें वापस कम हो जाता है। डबल टोन के अंदर 1.5% फैट व 9% वसा पाई जाती है, ये चीज़ भी याद रखोगे। बाकी इसका जो राइट आंसर है अपने वो ए है कि टोन दूध में उपस्थित वसा व SNF की मात्रा होती है 3 व 8.5। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन जो राजस्थान जीके से आपके, कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किससे है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किससे है, गायन सिंगिंग से, गायन से, जो राजस्थान कबीर यात्रा है उसका संबंध गायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए, जो गलत है उसको छांटिए, तो जो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सही है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में सही है, हाथी महोत्सव जयपुर में सही है, और जो ऊँट महोत्सव है ये जैसलमेर में नहीं होता है, बीकानेर में होता है, तो ये इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। पूछ कर रहा है कि इसमें से जो गलत युग्म है उसको अपने को छांटना है, तो तीनों ऊपर के युग्म सही हैं, बाकी जो चौथा युग्म है अपना वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलेरी पाई जाती है, किस स्थान पर उड़न गिलेरी पाई जाती है, सीता माता वन्य अभ्यारण्य जो है उसके अंदर उड़न गिलेरी के लिए फेमस है वो। नेक्स्ट यार राजस्थान के लंगूरिया गीतों का संबंध है, जो राजस्थान के लंगूरिया गीत है केला देवी के है करौली, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, बाला किला, जो बाला किला है रेत वाला बाला किला, वो कहाँ पे स्थित है, अलवर में, जो जयपुर का नज़दीकी जिला है अलवर उसके अंदर स्थित है बाला किला। नेक्स्ट 26 नंबर का, चंद्रभागा मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो चंद्रभागा मेला जो है वो झालावाड़ में आयोजित होता है, और ये यहाँ पे भी देख सकते हो आप जो अभी मेले वाला क्वेश्चन था उसमें, चंद्रभागा मेला झालावाड़। तो ये एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मतलब यहाँ से दे दिया, अगर ध्यान से पेपर पढ़ते हो आप हिंदी इंग्लिश में और लैंग्वेज को क्या क्वेश्चन है, चारों ऑप्शंस को देखते हो तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे मिली गई 3 नंबर फ्री में कि चंद्रभागा मेला झालावाड़, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखोगे 27 नंबर का, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, जो सरसों सेवर भरतपुर में है, कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में, ए है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो 28, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, तो पद्मश्री जो कृपाल सिंह शेखावत है वो ब्लू पोट्री जयपुर जो है उससे संबंधित है, ब्लू पोट्री से है। नेक्स्ट राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है, तो वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ इसमें राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 31, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, जसनाती जो संप्रदाय के अनुयायी है वो कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य, फायर डांस करते हैं, वो अग्नि के अंगारों पे चल के उनको वो देनी होती है। नेक्स्ट राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, बीकानेर, बीकानेर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में कृषक आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता, तो बिजोलिया से होता, और राजस्थान में सबसे लंबा भी बिजोलिया वाला ही चला था, 1897 के स्टार्ट हुआ था ये, तो इसका जो राइट आंसर है अपना वो है बिजोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था राजस्थानी भाषा के लिए, तो ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किया था, सी जो है इसका राइट आंसर है, सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, राजस्थान डेयरी राज्य डेयरी निगम की स्थापना 1975 में हुई थी, जो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी, बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखोगे, संत गुणसागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है, ये जो दोनों मालाएं हैं वो जो दोनों ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है, संत धन्ना जी के द्वारा, संत धन्ना जी के द्वारा लिखी हुई है संत गुणसागर और नाम माला, ये चीज़ ध्यान रखना आप। नेक्स्ट 37 देखेंगे, सुमेलित कीजिए, तो इसमें अपने को सुमेलित करना है कि कौन सा राइट है, तो इसमें राइट आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ बी है, देख लीजिए आप, माही नदी विंध्याचल दे रखा है, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, लूणी नदी दे रखा है इसमें नाग पहाड़ियाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था, एकलिंग महात्म्य संस्कृत में लिखा गया था और महाराणा कुंभा से संबंधित है जो एकलिंग महात्म्य है वो। नेक्स्ट 39 देखेंगे, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, बीजा और माला, तो बीजा और माला सांसी जनजाति की शाखाएं हैं, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, सांसी जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 40 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है, जग मंदिर और जग निवास के लिए, तो जो पिछोला झील है वो इन दोनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट 41 देखोगे, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, पुरुषों के द्वारा, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि बोड़ला टड्डा और बंगड़ी, ये तीनों तो स्त्रियों के हैं, और जो मुर्कियाँ जो कान में पहनी जाती हैं वो पुरुषों का गहना है। नेक्स्ट
ये गहने वाले में से दो क्वेश्चन है इसमें कि चूंप नामक आभूषण का संबंध है। चूंप तो चूंप दांत का, एक तो चूंप होता है एक चौंप होता है, ये चूंप जो है वो दांत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गमेती निम्नलिखित में किस जनजाति के लोगों का नेता होता है। जो गमेती होता है वो भील जनजाति के जो नेता होते हैं उनको गमेती बोला जाता है। ए ऑप्शन राइट है इसमें। 44 नंबर का देखोगे, कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र था, तो जो कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ का था। ठीक है, कहाँ ए ऑप्शन है वो राइट रहेगा। और कटारगढ़ को जो है ना कुंभलगढ़ की या जो मेवाड़ की आँख भी कहा जाता था, ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे सारे कुछ नज़र रख सकते थे। ए इसमें राइट रहेगा। 45 देखोगे, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, ये जो काजरी जोधपुर है 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा लगभग, काजरी की स्थापना और काजरी कहाँ पे है, जोधपुर में है। नेक्स्ट देखोगे कि कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव किस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है, किस वाष्पोत्सर्जन रोधी। तो इसमें थोड़ा सा वो है, बाकी इसमें जो आएगा वो जहाँ तक है रंध्र बंद करने वाले में आएगा, रंध्र बंद करने वाले में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, आलू की सुषुप्त अवस्था को दूर करने के लिए आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है। आलू की सुषुप्त अवस्था में काम आने वाला थायो यूरिया जो है, सी ऑप्शन राइट है। आलू के अंदर सुषुप्त अवस्था जो होती है डोरमेंशी, उसको तोड़ने में काम में आता है। नेक्स्ट देखोगे, निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है, मतलब विदेश में बेचता है, कौन से, फॉस्फोरस वाले, जबकि जो पोटास वाले हैं ना वो आयात करता है भारत, क्योंकि पोटास वाले उर्वरक जो है वो भारत के अंदर नहीं बनते हैं बिल्कुल भी, तो उनको आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 49, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना होता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट है, 12% तक होता है। नेक्स्ट, यह 50 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब आधा पेपर सोल्व आउट हो जाएगा। राजमा की फसल के लिए संतृप्त नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी प्रति किग्रा हेक्टेयर, तो इसमें जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से बी आना चाहिए। बाकी फाइनल आंसर की मैं क्या माना है मेरे को मिली नहीं है वो, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं या तो आपको मैं बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट करके बता देना अगर आपको गलत लग रहा हो तो। खरपतवार नियंत्रण ब्राउन मेन्यूरिंग जो एक विधि है, ब्राउन मेन्यूरिंग जो एक विधि है वो कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है, तो धान की सीधी बुआई हेतु, ब्राउन मेन्यूरिंग जो है धान की सीधी बुआई हेतु अपनाई जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 52 में देखोगे, 1 हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है, 1 हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है कितना है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 53 की कक्षा कलिकाओं की शाखाओं में बढ़वार कहलाती है, कल्ले फूटना या शाखा निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए 200 मीटर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। 55 नंबर का देखोगे, जियामेजेवट्टा का वानस्पतिक नाम, जियामेजेवट्टा का वानस्पतिक नाम है पॉपकॉर्न। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है। ये क्वेश्चन तो मतलब इतना कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि आपको जेट, ICER, BHU, सुपरवाइजर, यहाँ तक कि और जो आप एग्जाम्स दे रहे हो उनमें भी मिल जाएगा कि निम्न में हरित लवक का या क्लोरोफिल का मुख्य अवयव कौन सा है, मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57, अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है, अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था रिल क्षरण है, ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। सोइल इरोजन वाले टॉपिक में से है, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटाई गति व पौधों की कोशिकाओं को स्थित बनाए रखने में, तो जो पौधे के छिद्र हैं जो रंध्र हैं उनको खुलने व बंद होने, स्टोमेटा कोशिका सारा कुछ संभालता है, वो पोटेशियम संभालता है, कौन संभालता है, पोटेशियम, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 59 देखोगे, मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्ति लगाना उदाहरण है, सहचर फसलों का, किसका उदाहरण है, सहचर फसलों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 60, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है, लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है, ए निष्पंदन विधि द्वारा, ए बिल्कुल राइट रहेगा। 61 देखोगे कि जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, लंबे समय मतलब 30 वर्ष से अधिक वर्ष जो है मौसम के बदलाव में, जलवायु जो परिवर्तन जो किया जाता है, जो जलवायु वहाँ की निर्धारित की जाती है वो 30 वर्ष के अंतराल पर निर्धारित की जाती है, 30 वर्ष के अंतराल के बाद में, तो इसमें डी ऑप्शन राइट रहेगा। 62 देखोगे, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मृतिका कणों का व्यास कितना होता है क्ले वाले का, तो ए बिल्कुल राइट है, 0.002 mm से कम हो पाया जाता है। नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट उर्वरक तुल्यांक की अम्लीयता कितनी होती है, अमोनियम सल्फेट की जो तुल्यांक की भार होता है अम्लीयता वो कितना होता है, तो इसमें 93 भी दे रखा है और 110 होना चाहिए वैसे, तो जो फाइनल आंसर है वो उसका मेरे को पूरा मतलब पक्का नहीं है, तो इन दोनों में से ही है, ये दोनों नहीं है, या तो 93 है या 110 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, निम्न फॉस्फोरस उर्वरकों में कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु होता है, तो रॉक फॉस्फेट है इसमें राइट आंसर। निम्न फॉस्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदाओं में, तो अम्लीय मृदाओं में जो फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों में यूज़ करेंगे तो वो रॉक फॉस्फेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है, तो इसमें जहाँ तक है सी आएगा, अभी ना पटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है, ये तो हो गया है अपना सिक्सटी सिक्स। देखते हैं चूर्ण फफूंदी रोग जो है कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है, तो ये इसमें आएगा उपरोक्त सभी। चूर्ण फफूंद जो होता है आम में भी, बेर में भी और अंगूर में भी लगता है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर है। 67 देखोगे, सिंदूरी किसकी है, तो सिंदूरी इसमें दे रखी है अनार। सिंदूरी किसकी है, अनार। बाकी ये सिंदूरी किस्म जो है आम में भी आती है। नेक्स्ट, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। 69 देखोगे, गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय, तो इसमें राइट ऑप्शन है ए, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 70 कि जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है, जैम के लिए, तो इसमें केला को माना गया है, राइट आंसर जो माना गया है जैम के लिए वो केले को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी वैसे सबसे ज़्यादा बारबेंडस चेरी में पाया जाता है। अगर ये स्पेशली ऐसे पूछता है कि राजस्थान में, तो बारबेंडस चेरी राजस्थान में होती नहीं है, तो वो हो गया आंवला। बाकी इसमें ये दोनों ही सही आंसर है। फाइनल आंसर की का मैंने मिली नहीं है, आम की बोनी किस्म कौन सी है, आम्रपाली। सबसे इजी क्वेश्चन है, आम की बोनी किस्म कौन सी है, आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, भारत के अंदर उत्पादन में जो फर्स्ट है वो केला है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 74 देखोगे, गरीब आदमी का संतरा किसको कहते हैं, टमाटर को कहते हैं, गरीब आदमी का संतरा टमाटर को कहते हैं। 75 देखोगे, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है, विंटर चेरी, अश्वगंधा को जाना जाता है विंटर चेरी के नाम से। नेक्स्ट, ग्लोडोलियस फूल को क्या कहते हैं, ग्लोडोलियस का जो फूल है उसको क्या कहते हैं, स्पाइक बोला जाता है। नेक्स्ट देखोगे कि हेड किस फसल का आर्थिक भाग है, हेड, तो हेड पत्ता गोभी का है, जबकि फूल गोभी का जो होता है वो होता है कर्ड, पत्ता गोभी का होता है हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 कि खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं, 2 से 4 पत्ती अवस्था पे, 2 से 4 सच्ची पत्ती, तो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 79 कि दुर्गापुरा मधु किसकी किस्म है, दुर्गापुरा मधु जो है वो खरबूजे की है, सॉरी। नेक्स्ट, अंगूर में संधाई की कौन सी विधि सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कौन सी संधाई की कौन सी विधि है जिससे सर्वाधिक अपने को प्रोडक्शन होता है, तो वो है पांडाल विधि। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है, तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है, जो खजूर के अंदर जो होता है प्रोपेगेशन वो किसके द्वारा होता है, तो इसमें आएगा तनों के बिना, मतलब होप सूट्स के द्वारा करते हैं खजूर के अंदर। नेक्स्ट 83 नंबर का देखोगे, राजस्थान में अनार की कौन सी बाहर सबसे उपयुक्त है, मृग बहार उपयुक्त है राजस्थान के अनार के लिए। 84 देखोगे, अफ्रीकन मेरीगोल्ड गेंदा का वनस्पति का नाम क्या है, टेगेटस इरेक्टा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। 85 देखोगे कि निम्न में से कौन सी विधि सघन बागवानी कहा जाता है, तो सघन बागवानी इसमें, इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन आएगा ट्रक गार्डनिंग। नेक्स्ट, हिंदी के क्वेश्चन आ गए अब 15 क्वेश्चन, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर है ए, अंत प्लस निहित। दैत्यारी में संधि विच्छेद होगा, तो दैत्यारी सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, हिंदी के लगभग सारे राइट है। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बी राइट है सम। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मोसेरा के अंदर हुआ है। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है, अव्ययीभावी समास है, लव्य जो है अव्ययीभावी समास है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, बिल्कुल ईजी है, क्रमधारी की डेफिनेशन ही है ये चीज, क्रमधारी समास आएगा इसका राइट आंसर है, 91 नंबर में आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92, पशुपण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है, जानवर, रेत और मूल्य, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जानवर, रेत और मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, निर्जर, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसमें 93 में, निर्जर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 94, रिक्त स्थान को भरना था अपने को कि संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता है, संपन्न की कौन नहीं जा सकता है, विपन्न, ये इसके आ गया, संपन्न का विपन्न हो गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी रहेगा 94 का। 95 देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, निहारी का जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, डी ऑप्शन राइट है। 97 देखोगे सब लोगों का संबंध रखने वाला सार्वजनिक या सरकारी जो होता है सार्वजनिक होता है, सब लोगों का संबंध बराबर होता है उससे। नेक्स्ट है कि जो डिप्यूटेशन शब्द उसके लिए उचित पारिभाषिक शब्द कौन सा है, पदेन, पदेन आएगा। नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य का सही मुहावरे में प्रयोग लाया गया है, तो इसका है संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना कोई आसान काम नहीं है, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना कोई आसान काम नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन कौन सा है कि बेल का बेल गया नौ हाथ का पगा भी गया, लोक कृत्य का अर्थ है, इसका अर्थ है सी, ओ बिल्कुल राइट है कि बहुत बड़ा घाटा होना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपके यूजफुल रही होगी, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्या लैंग्वेज है, क्या ऑप्शन है, कैसे पढ़ना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताएं, बाकी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।